नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 9 Pro 5G versus Samsung Galaxy M13 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में 6.47 इंच जबकि Galaxy M13 5G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में 2.98 इंच जबकि Galaxy M13 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 9 Pro 5G में 0.33 इंच जबकि Galaxy M13 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 9 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 195 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में IPS LCD जबकि Galaxy M13 5G में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में 6.6 इंचेस जबकि Galaxy M13 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 9 Pro 5G में 1080x2412 और Galaxy M13 5G में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 9 Pro 5G में 84.67% जबकि Galaxy M13 5G में 81.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 9 Pro 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy M13 5G में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 9 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy M13 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 9 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy M13 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 9 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy M13 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में Adreno 619L जबकि Galaxy M13 5G में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Galaxy M13 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 9 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy M13 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 9 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy M13 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में अप टू 256GB जबकि Galaxy M13 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 9 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy M13 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 9 Pro 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M13 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme 9 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Realme 9 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 9 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 Pro है, दूसरा Realme 8i है, तीसरा Oppo A16 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y75 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।